नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सौजा शहर में इन दिनों आवारा पशुओं के भरमार से बाजार सहित मुख्य बस स्टैंड पर इनका आतंक छाया हुआ है। आसपास ग्रामीण क्षेत्र में छोड़े गए सैकड़ों की तादाद में ये पशु शहर के हर चौराहे पर विचरण करते दिख जाएंगे। सुबह बाजार खुलने के साथ ही इन आवारा पशुओं का आतंक शुरू हो जाता है। सब्जी मंडी, मुख्य बाजार सहित बस स्टैंड पर ये झुंड के रूप में विचरण करते हुए ये सब्जी, फल और अन्य किराना सामान को खराब करते रहते हैं। वहीं कभी कभी राहगीरों पर हमला कर घायल कर देते हैं, तो कभी इनकी आपसी लड़ाई में वाहन चालक भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जिससे उनमें भय बना रहता है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला मंगलवार शाम को मुख्य बस स्टैंड पर, जहां आवारा सांडों की आपसी भिड़ंत हो गई। इस दौरान इनकी भयंकर आपसी लड़ाई से कई दुपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, तो दुकानों को भी काफी नुकसान हुआ। इन आवारा पशुओं की भयंकर लड़ाई को देखकर राहगीरों की भी सांसें थम गईं और वो स्वयं का बचाव करने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। इन आवारा पशुओं को शहर से दूर ले जाकर छोड़ने के लिए सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता और शहर के गणमान्य लोगों ने कई बार नगर पालिका को अवगत कराया, लेकिन या तो वो इतिश्री कर देते हैं या सुनी को अनसुनी कर टाल मटोल कर देते हैं, जिसकी परेशानी शहर वासियों को भुगतनी पड़ रही है।